फ्रेंड्स, मैं आज आपको थ्री स्टेप्स हेयर कट करना सिखाऊंगी। तो पहले क्राउन एरिया से हम अपने हेयर्स को डिवाइड कर लेंगे। क्लियर करके हम क्राउन एरिया से हेयर्स को डिवाइड कर लेंगे, उनको कवर कर लेंगे। फिर नेक एरिया से हम हेयर्स को डिवाइड कर देंगे। पहले हम अच्छे से उनको सुलझा लेंगे बालों को। फिर नेक से ये हम डिवाइड कर देंगे, हाफ एंड हाफ हेयर कट करेंगे। ये हम शॉर्ट लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कर रहे हैं, कहीं इसमें स्टेप्स देंगे। इस तरह से हम बालों को फिनिशिंग देंगे। अब हम इस साइड करेंगे, इसी गाइडलाइन से लेफ्ट गाइडलाइन से हम इधर राइट हेयर राइट साइड के हेयर्स को कट करेंगे। ना एक्स्ट्रा होगा हम निकाल देंगे इस तरह से। पहले हम 0 डिग्री पे करेंगे, फिर 45 पे, फिर 90 पे। फिर हम ये दोनों तरफ की हेयर्स को लेके क्लीन गाइडलाइन दे देंगे, ऐसे करके पूरे हेयर्स को लेके फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। जितने एक्स्ट्रा होंगे हम निकाल देंगे। अब हम ऊपर का खोलेंगे क्राउन एरिया का, तो उसमें भी हम हेयर्स को डिवाइड करेंगे इस तरह से। पूरी अपनी क्लियर कर लेंगे लाइन को, फिर हम करेंगे। लाइन को भी हम अच्छे से स्प्रे करके फिर हम क्लीन कर लेंगे बालों को। पहले हम सुलझा लेंगे पूरे, फिर उसके बाद हम बालों को अच्छे से सुलझा लेते हैं कि अंदर से कोई लेयर रह ना जाए। उसी तरह हम इसको भी डिवाइड करेंगे मिड में। और पहले हम लेफ्ट के लेंगे, लेफ्ट के जितने हम एक्स्ट्रा होंगे हम उनको कट कर देंगे इस तरह से। ये गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन से हम हेयर्स को लेके कट कर देंगे। गाइस, हम मल्टी स्टेप्स करने के लिए अपने हैंड को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। मल्टी स्टेप्स में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, उससे आपके हेयर्स भी काफ़ी घने लगते हैं। अगर आपके लाइट हेयर्स हैं तो आपके काफ़ी घने लगने लगते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स के अधिकतर मल्टी ही स्टेप्स देती हूँ, जिससे बालों में काफ़ी घनापन आ जाता है। क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों की ये समस्या है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं या बहुत हल्के हैं, तो मल्टी स्टेप्स से काफ़ी बाल घने लगते हैं। इस तरह से हम अब राइट हैंड का करेंगे। एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, अब हम पूरा लेंगे जैसे हमने नीचे लिया था उसी तरह से हम पूरा लेके फिर एक क्लीन शेप के इस तरह से। अभी हम सीधा कर देंगे, सीधा करके हम इस तरह से स्ट्रेट ले जाएंगे ऊपर को। अब ये हम फ्रंट का हेयर कट कर रहे हैं। फ्रंट का हेयर कट हम पहले सुलझा लेंगे, फिर उसी तरह से हम निकालेंगे और हम क्राउन एरिया से लेंगे इसको इस तरह से।
क्राउन एरिया से हमने डिवाइड किया है फ्रंट का इस तरह से, फिर हम निकाल देंगे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे हम उनको निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरा कर देंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो आपकी कटिंग कभी भी खराब नहीं आएगी, ठीक आ जाएगी, स्टेप्स अच्छे से दिखेंगे। इधर को भी हम राइट हैंड का भी इधर कट कर देंगे। कितना खूबसूरत हेयर कट आया है। हम फ्रंट से भी इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितना हल्का है, अभी थोड़ा सा नीचे से हेयर कट करना है। ये शेप हम दे देंगे, हल्का लाइट भी दे देंगे। नलेस हेयर है वही हम बस निकाल रहे हैं। एक बार हम और देख लेंगे कुछ मशीन देने के लिए इस तरह से। हाफ एंड हाफ डिवाइड करते हैं, एक बार और थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे बालों को। जस्ट सेम हेयर इधर भी करेंगे। अब हम फ्रंट का हेयर कट करेंगे, तो हम फ्रंट का हेयर कट करने के लिए फ्रंट से ही हेयर कट करेंगे। पहले हम फ्रंट पे आकर फ्रंट के लेंगे, थोड़ा सा ही हेयर कट करूंगी आगे का। इधर से आगे से गाइड लाइन बनाने के लिए हम 5 रुपए खर्चा देंगे इस तरह से। आगे से देखो इतना शॉर्ट। एयर टू एयर कट करेंगे उनका फ्रंट से भी हम स्टेप से भी फ्रंट से हम चिन तक लेंगे। ठीक अपने हेयर को चिन से लेते हैं थोड़ा सा आगे से फ्रंट से भी हम उनको स्टेप्स देंगे। फ्रंट से उनका थोड़ा लुक चेंज चाहिए, शॉर्ट चाहिए, फ्रंट से एयर टू एयर हम उसी तरह से करेंगे। इसमें भी हम स्टेप्स दे देंगे। गाइस स्टेप कटिंग में एक फ्रंट से भी स्टेप्स होते हैं, एक बैक से भी होता है। फ्रंट के स्टेप्स काफी खूबसूरत लगते हैं, जो फ्रंट के हेयर्स में भी काफी सारे स्टेप्स दिए जाते हैं। ये हम अपना हम पूरा स्ट्रेट ले लेंगे। आगे नंबर चल रहे हैं। इसी तरह हम लेफ्ट साइड भी करेंगे, फ्रंट से ही करेंगे। इस तरह से हो गया है कंप्लीट।
इतना खूबसूरत हेयर कट आया है। थोड़ा इसका और हल्का करें, पहले हम इसको रोक दो। बिना ड्रायर या कुछ सेटिंग करी हुई हेयर कट बहुत सुंदर आया है। हल्का सा ड्रायर लगा के सेट कर देंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए।